नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गावा इकाई की बैठक गुरुवार को जेपी मेमोरियल स्कूल मालडा में की गई, जिसमें प्रखंड में संचालित सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य, संचालक एवं सहयोगी शिक्षक उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता शिक्षक नारायण पांडे ने किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद कर बच्चों के भविष्य को चौपट किया जा रहा है, जबकि बड़े बड़े सभाओं में, हाट और बाजारों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। देखा जाए तो सरकार के हर विभाग में सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ स्कूलों को खोलने पर पाबंदी लगा रखी है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय भी लिए गए और पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गावा के नाम से एक समिति बनाई गई आज, और जितने भी प्रखंड में विद्यालय हैं सारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आमंत्रित किया गया, और किस तरह से हम निजी विद्यालय के लोग आगे चले ताकि सारे लोग जो परेशानियां आ रही है उसका मिलकर सामना करें। आज सरकार की नीतियों का आज यहाँ सारे लोगों बैठ के इन बातों पर मंथन किए और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे।